बढ़िया सालो, बहुत बढ़िया। तुम या तुम्हारी जो दीदी जी हैं, बुआ जी, वही रस्सी जल गई, खत्म हो गई रस्सी, लेकिन ऐठन वो थाली नहीं जा रही। साले जिस थाली में खाते उसी में टट्टी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो शख्स, प्यारे दुलारे शख्स, नादान शख्स आपको दिख रहे हैं, बहुजन असामाजिक पार्टी के जो झंडा लेकर घूम रहे हैं, जो उनका झंडा लेकर नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, पप्पू खान और उनके गुर्गे हैं। अरे वो अपने वाले पप्पू नहीं, या दूसरे पप्पू खान है। मैं पप्पू हूँ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जहाँ एक नव निर्मित नगर पंचायत जहानागंज को अभी अभी कुछ दिन पहले ही उसको नगर पंचायत का दर्जा मिला है, वहाँ के चेयरमैन के प्रत्याशी, चेयरमैन का उम्मीदवार पप्पू खान जीतने के पहले ही अपने रगों में जो खून उसके दौड़ रहा है, जो उसकी जहनियत है, जो उसकी असलियत है, उसने चुनाव के पहले ही बता दिया लोगों को, दिखा दिया लोगों को कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो यही सब होगा, हम अपने प्रोपेगेंडा पे आगे बढ़ेंगे। उसने चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगवाए और पता नहीं क्या क्या आपत्तिजनक चीजें बुलवाई भारत के खिलाफ। उसने अपना जहनियत दिखाया, लेकिन गलती हो गई बेचारों से, उन लोगों से। वो वीडियो वायरल हो गया, वो क्लिप वायरल हो गया और पहुंच गया उत्तर प्रदेश प्रशासन के हाथ में। अब आप सबको पता ही है, अगर बाबा के प्रशासन में ऐसी वीडियो पहुंचती हैं तो आगे क्या होता है। तो वैसे ही इसके साथ हुआ, इसको पप्पू खान समेत इसके 6 और गुर्गों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद वही हुआ जो हमेशा होता आया है, पिलाई कुटाई तोड़ाई जो भी होना था हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, कम ही हुआ, आगे आगे होगा। दिक्कत ये थी कि थोड़ा बहन जी के खासम खास लोग थे ये, पसंदीदा लोग थे ये, तो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन पिलाई तो हुई है। नेताजी को छोड़ के गुर्गे बहुत पहले गए। लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। तो दोस्तों, इस पप्पू ने जो भी किया चलो किया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसके करने के बाद, ऐसी हरकत करने के बाद, ये जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, जिसका फेवरेट था, अपनी बहन जी, बुआ जी, या जो भी आप कहते हैं उनको, उसने कुछ नहीं बोला, ना तो कोई ट्वीट किया है, ना कुछ किया है। अरे कम से कम बहन जी इसके बारे में, इसके खिलाफ नहीं बोल सकती थी, इस नारे के खिलाफ नहीं बोल सकती थी, नहीं कह सकती थी कि देखो ये गलत नारा है, ऐसा नहीं लगाना चाहिए। सपोर्ट में भी बोल देती कि नहीं नहीं नहीं, नहीं पप्पू बेचारा, पप्पू भाईजान, ऐसा नहीं है, उसने जो किया किया, नादानी में किया। अरे उसने पाकिस्तान का जिंदा बारक मारा, फालतू में ऐसे ही लगा दिया था, असल में वो कुछ और कहना चाहता था, वो अब्बू जिंदाबाद कहना चाहता था कि हमारे अब्बू जिंदाबाद रहे। तो इस वीडियो में पप्पू 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 बहुत हो गया। और पप्पू से एक बात याद आई है, एक वीडियो याद आई है, आप लोग पहले वीडियो देखो। हम चल रहे थे, मैंने पीछे से अपनी आंख से देखा छोटा सा बच्चा अंदर आने की कोशिश कर रहा था। पीछे वाली आंख से पप्पू भैया ने देखा है। अभी देखो, कोई शक शोभा तो नहीं है पप्पू के बारे में, अब कोई शक शोभा नहीं है कि वो जो भारत तोड़ो आंदोलन उनका चल रहा है, प्रोग्राम उनका चल रहा है, वो किधर जा रहा है, कहां कहां जा रहा है। अरे भारत तोड़ो तो छोड़ो, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, कहीं की चीज कहीं और लग जा रही है, जो मशीन आगे होती है वो मशीन उनके पीछे चली जा रही है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अब क्या समझे हैं, क्या नहीं समझे हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। आजकल आप लोग कमेंट थोड़ा कम करते हैं, लिखने में कोई दिक्कत है क्या, कमेंट करिए दोनों पप्पू के बारे में, पप्पू खान और पप्पू खान नहीं, ये खान नहीं, पप्पू के बारे में, दोनों पप्पू के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।